हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको मैंने आलू से बनाया है। घर में कुछ भी अवेलेबल ना हो तब आप इस क्रिस्पी आलू के स्नैक को बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस स्नैक बनता है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। देखते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये बोल लिया है, इसमें बैटर तैयार करेंगे। मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए बेसन, जितना भी आपको चाहिए। इसमें मैं इससे बेसन से आधा, मैंने ये चावल का आटा लिया है, आधी कटोरी चावल का आटा है, इसको भी ऐड कर देंगे। ये हाफ टी स्पून या फिर अपने स्वाद के अनुसार नमक को ऐड कीजिए। हाफ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून ये लाल मिर्च या फिर रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर या फिर धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ये मैंने जीरे का पाउडर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका बैटर बना लेंगे। इसमें जो चावल का आटा ऐड किया है उससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, जिससे कि जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो एकदम ठीक रहे। इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से बैटर को तब तक चलाएंगे जब तक इसमें लम्स ना रहें। इसी तरीके से चलाते रहेंगे इसको। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा ये काली मिर्च पाउडर है, आप चाहें तो इसको ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़े से ये कटे धनिया ऐड करेंगे, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्स करके और इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे बैटर अच्छे से फूल जाएगा और सेट हो जाएगा। देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। मैंने ये दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, आपको भी इसी तरीके से बड़े साइज़ के ही आलू लेने हैं। और इसको इस तरीके से चाकू से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये ज़्यादा ना मोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, इसी तरीके से कट करेंगे। इसी तरीके से सारे आलू को कट कर लेंगे। देखिए आलूओं को कट कर लिया है, ये ना तो ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं। ये मैंने बैटर जो बनाया था उसमें इस तरीके से डिप कर लेंगे आलू को अच्छे से। ये देखिए जो बैटर है ना, उसकी कोटिंग अच्छे से कर लेंगे आलू के ऊपर इस तरीके से, और इसको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ये देखिए कढ़ाई में तेल लिया है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से जो पकौड़े हैं वो जल जाएंगे और क्रंची नहीं बनेंगे, इसीलिए जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम ही रखेंगे। इस तरीके से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। ये देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरीके से अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करेंगे। पकौड़े सिक्के एकदम रेडी हैं, इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। पकौड़ों को मैंने देखिए इस तरीके से टिश्यू पेपर पे डाल दिया है, जिससे जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनके तैयार हैं। आप चाहे तो इसको सॉस के साथ, चटनी या फिर चाय किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बारिश में आप इसको चाय के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे। और आप इसको 5 to 10 मिनट में आराम से बना सकते हैं। कोई भी आ जाता है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आप इनको बना के सर्व कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।